Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पूरा आराम से होगा. उनको विपक्ष को बोलिए, आप खाली विपक्ष का काम अच्छे से करें, बाकी यहाँ की चिंता ना करें. प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत शानदार तरीके से 5 साल निकालेंगे. विपक्ष खाली यहाँ पर बिल फाड़ना या पेपर उड़ाना या हूटिंग करना आज भी कर रहे थे शपथ के टाइम पे, ये सारी बदमाशियां ना करें. बाकी विपक्ष विपक्ष की तरह रहे और सरकार के काम में उसकी शालीनता से काम में सच्चाई से इसको आगे बढ़ने दें, बाधा ना बने. लोकसभा चुनाव के बाद बीते दिन संसद के पहले दिन तमाम सांसद सदन पहुंचे थे. इस बार सदन की तस्वीर पिछले कुछ सालों के मुकाबले बदली हुई दिखाई दे रही है. पहले से ज्यादा संख्या में अब विपक्षी दलों के नेता सदन में मौजूद हैं. ऐसे में गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने विपक्ष को एक बड़ी नसीहत दे डाली है. रवि किशन ने कहा है कि अब विपक्ष मजबूती से वापस आया है तो देश के कामों में सहयोग करे. साथ ही रवि किशन ने विपक्षी नेताओं को बिल फाड़ने और हूटिंग करने जैसी बदमाशियां भी ना करने की सलाह दे डाली है. एकदम कमजोर है इस बात, तो मजबूती से विपक्ष आया है तो उसको सरकार को और भारत को और देश के गरीबों का और बेटियों का सबके हित में और बड़े बड़े बिल जो आएंगे देश के हित में उसको पारित करने में बाधा ना डाले. और उसी से पता चलेगा और देश उनके वोटर्स को भी पता चलेगा कि हमने जिस सांसद को माननीय सांसद को जिता के भेजा है वो जाके वहाँ पे कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे हैं. विपक्ष का एक और एलिगेशन ये है कि जो सरकार है टर्म अपना पूरा नहीं करेगी, क्योंकि TDP और JDU की बैसाखी पर आपकी काफी मजबूत अलाइज है, क्या कहना चाहेंगे, टर्म पूरा होगा? नहीं, पूरा आराम से होगा. उनको विपक्ष को बोलिए, आप खाली विपक्ष का काम अच्छे से करें, बाकी यहाँ की चिंता ना करें. प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत शानदार तरीके से 5 साल निकालेंगे. विपक्ष खाली यहाँ पर बिल फाड़ना या पेपर उड़ाना या हूटिंग करना आज भी कर रहे थे शपथ के टाइम पे, ये सारी बदमाशियां ना करें. और शालीनता से एक सांसद का जैसे एक उस सदन का, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का सम्मान करें और बताएं अपने वोटर्स को कि अगर उनको जिता के भेजा है तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कोई काम किया, वो अपने क्षेत्र के लिए योजनाओं को लेके जाएं, बाधा ना बने. और सरकार को शानदार तरीके से चलाना मोदी जी को आता है, 10 साल आप पूरे देश ने देखा है. बाकी विपक्ष विपक्ष की तरह रहे और सरकार के काम में उसकी शालीनता से काम में सच्चाई से इसको आगे बढ़ने दें, बाधा ना बने, काम करने दें. आप बोलिए, अपनी बात रखिए, डिबेट करिए और सदन को चलने दें, सदन को रोके नहीं. आखिरी दो सवाल, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर और संविधान खत्म करने वाली बात की कि ये लोग जो हैं करना चाहते हैं लेकिन नो पावर कैन टच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नहीं होने देंगे. प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे. राहुल जी को अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए, विपक्ष में रह के एक विपक्ष के शानदार तरीके से काम करने की चिंता करना. संविधान कहीं छेड़ेगा नहीं. इन्होंने एक बार ये झूठ बोल के फैला के चुनाव जीत गए, अगली बार ये अब झूठ नहीं चलेगा. तो ये सारा जो कुछ आज लेके चल रहे थे, पूरे देश को पता है कि संविधान कहीं नहीं बदलने वाला. भोली भाली जनता को इन्होंने बहुत सारे झूठी बातें करके जो भी किया है अब वो बातें आगे नहीं चलेंगी. एक बार ये झूठ करके कुछ सीटें उनको बढ़ गई लेकिन अगली बार ये वापस से अपनी फिगर पे आ जाएंगे जो इनका ओरिजिनल फिगर थी. तो रवि किशन ने विपक्ष को सलाह दी है कि विपक्ष अपना काम सही से करे. साथ ही संविधान बदलने के मुद्दे को भी रवि किशन ने झूठा करार दे दिया है. ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक.